टर्नओवर रेशियोज कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 84 में डाउट आया, ध्यान से देखेंगे। कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, आरएफओ, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब ध्यान से देखना, हमें क्या दे रखा है? आरएफओ दे रखा है। आरएफओ इज नेट सेल्स 640, नेट सेल्स ही होता है वो, बोले या ना बोले। कभी कभी होता है ग्रॉस आरएफओ दे रखा है, ग्रॉस मतलब बिफोर रिटर्न्स, तो अगर रिटर्न्स दे रखे हैं तो आपको माइनस करके लेना पड़ेगा अगर आरएफओ निकाल रहे हैं तो। आरएफओ इज 640, ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ग्रॉस प्रॉफिट इज 25%, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, जीपी इज ऑलवेज, जीपी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन आरएफओ। इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड मतलब अगर लिखा है जीपी इज 25%, तो 25% ऑफ व्हाट? आरएफओ। कॉस्ट, यहाँ दो ऑप्शन होते हैं कि सर कॉस्ट का या सेलिंग प्राइस का, तो सेलिंग प्राइस आरएफओ, तो ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑफ 640, विच इज इक्वल टू 640 का हाफ 320, 320 का हाफ 160, तो 25% आपका 1/4 होता है, तो 1/4 ऑफ 640 इज 160। आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, तो इससे क्या निकालेंगे हम? कॉस्ट ऑफ आरएफओ। कैसे निकालेंगे सर? कॉस्ट ऑफ आरएफओ का फॉर्मूला होता है आरएफओ माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। आरएफओ कितना है? 640। कॉस्ट ऑफ आरएफओ कितना है और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 160। 160 तो क्या हो जाएगा? 16 32 48, 4,80,000 कॉस्ट आ गया। एवरेज इन्वेंट्री सिंपल ही है, डायरेक्ट है, तो एवरेज इन्वेंट्री क्या है? एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, 58 प्लस 62, 58 और वो क्या 62, तो एवरेज तो आपकी 60 आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा? 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2, व्हिच इज इक्वल टू 60,000। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री क्या है? 60, तो 6 8 48, तो आंसर इज 8 टाइम्स। इजी क्वेश्चन नंबर 84।